प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के आदेश दे रहे हैं। जोर शोर से काम आगे बढ़ रहा है, लेकिन जमीनी सच्चाई क्या है आप वीडियो में साफ तौर पर देख सकते हैं। एक हफ्ते पहले ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण द्वारा सेक्टर 2 और सेक्टर 3 में सड़क का निर्माण कराया जाता है। घटिया सामग्री इस्तेमाल की जाती है, जिसके कारण कई सारी नई सड़कों में गड्ढे और सड़कों की परत खुद निकलने लगी है। जैसा कि आप वीडियोस में देख रहे हैं, किस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कि प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के आदेश दे रहे हैं, उनकी आशाओं को पूरी तरह से यहां पर पानी पानी कर दिया गया है। हर तरफ से सड़क यूं ही खुदती जा रही है, कोई हाथ से उखाड़ रहा है तो कोई किसी चीज से उखाड़ रहा है, लेकिन सड़क पल भर में पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक खुदती चली जा रही है। इसके लिए किसी भारी वाहन का या फिर कोई मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही, जैसा आप वीडियोस में देख रहे हैं। पहले आप लोगों की बातें सुने कि सड़क के बारे में यहाँ के लोग कहते क्या हैं। वो पूरे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़े हैं। आप देखते हैं यहाँ पे अभी ये रोड ऐसे ही हाथ से टूट जा रही है, गाड़ियाँ चलना तो दूर, ये मुझे लगता है यहाँ पूरे ज़्यादातर रोड इसी तरीके से बनाए गए हैं। इस रोड का निर्माण कब हुआ था? अभी 10 दिन पहले ही। और इस सेक्टर में कितने परिवार रहते हैं अभी? सेक्टर में लगभग 100 परिवार रहते हैं। और किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है आपको? हमारे सेक्टर में सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं है, चारों तरफ से सेक्टर खुला हुआ है। मेन जो एंट्री है हमारी वो नहीं है, वहाँ पे अभी रास्ता नहीं बना है। शिकायत की थी आपने ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को? जी। उन्होंने क्या कहा फिर? उन्होंने कहा कि अभी यहाँ पे किसानों के मसले हैं, इंक्रोचमेंट है कुछ, वहाँ बातचीत जारी है, तो वो चीज़ें लगभग 2 साल से वही चल रही है, केवल आश्वासन के अभी अगली 2 तारीख। जैसा कि आपने सुना, भ्रष्टाचार की भेंट ये चढ़ चुकी है। करोड़ों की लागत से बनी हुई सड़क, घटिया सामग्री इस्तेमाल की गई है, मात्र 4 दिन में ये सड़क टूट चुकी है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। लोग बेहद परेशान हैं, क्योंकि सड़क दुर्घटनाओं में लोगों के मरने की संख्या भी ज्यादा होती जा रही है। देश में ऐसे मामले बहुत ज्यादा बड़े हैं, उत्तर प्रदेश में भी ऐसे मामले बहुत ज्यादा आते हैं। तो इस तरह की सड़कों का बनना अपने आप में आशंकाओं को और भी ज्यादा बढ़ाता है, क्योंकि जिस तरह से आप वीडियोस में देख रहे हैं, सड़क अपने आप हाथों से ही उखाड़ दें तो उखड़ जाएगी पूरी की पूरी। ये साफ तौर पर जाहिर होता है कि किस तरह की घटिया सामग्री यहाँ पर इस्तेमाल की गई है इस रोड को बनाने में। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मौजूद लोग सड़क अपने हाथों से उखाड़ रहे हैं। सारा खेल टेंडर कमीशन का है, इसमें बड़े बड़े अधिकारी शामिल रहते हैं और अपने जानने वाले ठेकेदार को ठेका दिलवा देते हैं ताकि कमीशन आपस में मिल बांट के खा ले। लेकिन बुरे हाल होते हैं, भुगतना पड़ता है तो केवल और केवल आम आदमी को। ऐसे में क्या है आपकी राय, आपके यहाँ कैसे हैं सड़कों के हाल, कमेंट करके बताइए। और तमाम खबरें सबसे पहले देखते रहने के लिए आप बने रहिए इन खबर के साथ। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।